बड़वानी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाइन और कोरोना की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सहित सीएमएचओ अनीता सिंगारे ने नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिवों को होम आइसोलेशन करने की बात कही है। वहीं होम आइसोलेशन में कोविड संक्रमितों पर सार्थक ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिले में नो फीवर क्लिनिकों पर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण हो उन्हें खुद जाकर अपनी जांच करवाना होगी। वहीं नई जांच व्यवस्था के अंतर्गत जांच परिणाम करीब आधे घंटे में मिलने की भी बात कही गई है। वहीं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि नई गाइडलाइन में 21 तारीख से उत्सवों व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति दे दी गई है। वहीं इस दौरान सभी को फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। शासन से अभी नई गाइडलाइन जारी हुई है कोविड को लेकर के, उसमें कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए निर्देश मिले हुए हैं। जिला मुख्यालय पर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में एक पूरा कमांड सेंटर बनाया गया है। इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक फंक्शनिंग कर देंगे। और इसमें मुख्य रूप से क्या है कि कोई व्यक्ति कोविड के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहता है वो सीधा हमारा जो नंबर है 07290 यहाँ का कोड नंबर है और 1075 इस नंबर पर कॉल करेगा तो वो व्यक्ति सीधा बात कर सकता है। वहाँ पर 24 घंटे की हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी। 8 घंटे की शिफ्ट में हम ड्यूटी लगा रहे हैं। डॉक्टर्स के अलावा वहाँ पर दूसरा हमारा टेक्निकल स्टाफ भी रहेगा, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रहेगा। इसके अलावा कंट्रोल कमांड सेंटर से हमारे ये भी एक सुविधा दी गई है कि जो लोग होम आइसोलेट होंगे, ऐसे जो लोग हैं जिनके पास में घर में पर्याप्त जगह है, एक रूम की व्यवस्था है, कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो घर पे उसको होम आइसोलेट किया जाएगा। होम आइसोलेट करने वाले जो भी लोग हैं वो सार्थक ऐप लाइट में अपना एक अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेगा और हमारे जो कंट्रोल कमांड सेंटर में सीधा उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जो बंदा जिसने ऐप डाउनलोड किया हुआ है यदि वो कहीं से मूव करता है तो हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर से उसको देखा जा सकता है कि घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। इसके अलावा उसका सुबह शाम दो बार डॉक्टर बात करेगा, अगर उसकी तबीयत ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, उसको कहीं रेफर करना होगा या शिफ्ट करना होगा तो वो व्यवस्था भी उनकी की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें जो हमारा जो होम आइसोलेट वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके की समस्या आती है तो वो कभी भी कॉल डॉक्टर्स को कर सकता है। इसके अलावा ज़िले में हमारे जो कोई भी व्यक्ति ये पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पर कितने फीवर क्लिनिक हैं, कहाँ पर मेरा टेस्ट हो सकता है, क्या और जानकारी ले सकता है, कोविड के बारे में कोई जानकारी ले सकता है तो ये कोविड कमांड सेंटर से जानकारी दी जाएगी। तो इसको हम लोग आज या कल तक फंक्शन में कर देंगे। और इससे अभी ये जो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें एक जो सबसे बड़ा क्या है कि पहले हमारे लोग सिटी में घर घर जाके सैंपल ले रहे थे, अब वो सैंपल घर घर जाके नहीं लिए जाएंगे, केवल फीवर क्लिनिक पर ही लिए जाएंगे। गाँव में हमारी ये पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। यदि गांव में कोई पॉजिटिव निकलता है या तो उसको घर पे हम लोग उसका घर पे जाकर के उनको होम क्वारंटाइन भी करते हैं और बाकी जो लोगों के सैंपल भी लिए जाते हैं, परंतु शहर में ये व्यवस्था अब लागू नहीं रहेगी। बहरहाल अनलॉक 4 के बाद प्रशासन ने नई गाइडलाइन बना ली है, इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज, बड़वानी।